यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आपके सन्मुख परमेश्वर के वचन को लेकर ध्यान मनन करने का अवसर परमेश्वर ने हमें प्रदान किए हैं। तो आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करते हुए अपने समय को बिताते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। आपके वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, ताकि हम सब आपके वचन को सुनकर, आपके वचन में जो मधुरता है उसे समझकर, हमारे जीवन में जो आपकी सुरक्षा है उसे समझते हुए आपके नाम की बढ़ाई करने में सहायता करिए। हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस समय के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय में हम परमेश्वर के वचन से अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय उसके 9 और 10 वचनों को हम सीखेंगे। उसके 9 और 10 वचन में शैतान जो है यहोवा से, परमेश्वर से बातें कर रहा है, और शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है। देखिए, यहाँ पर शैतान जो है यहोवा से, परमेश्वर से जो सर्वशक्तिमान है, उससे बातें करते हुए अय्यूब के बारे में बातें कर रहा है और कह रहा है कि अय्यूब इसलिए आपका भय मान रहा है क्योंकि आप उनके जीवन में लाभ को कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या तूने उसकी और उसके घर की और उसके जो भी लोग हैं उसके चारों तरफ आपने क्या बाड़ा नहीं बांधा है, ये प्रश्न कह रहे हैं। सो परमेश्वर का बाड़ा हमारे चारों तरफ, इस अंश को अगर हम देखें तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हमारे चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे चारों तरफ रखे हैं, और इस बात को सबसे अच्छे रूप से कोई अगर समझ सकता है तो वो केवल शैतान समझ सकता है, क्योंकि शैतान जो है हमारे जीवन में गड़बड़ी, परेशानी को लाना चाहता है। परंतु जब वो विफल हो जाता है तो वो देख पाता है कि हमारे चारों तरफ एक बाड़ा है, और वो बाड़ा परमेश्वर का बाड़ा है। तो प्यारे दोस्तों, हम सबके जीवन में, हम सबके परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का बाड़ा है, और यहाँ पर हम इस दोनों वचनों में पाते हैं कि परमेश्वर ने अपना बाड़ा अय्यूब के जीवन में रखा है, और परमेश्वर जो है अय्यूब को सुरक्षित रखा है। तो आज हम यही बात को सीख रहे हैं कि आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर अपने बाड़े को रखे हैं। उनके बाड़ा के कारण जो उनका चारों तरफ जो फेंसिंग है, वो फेंसिंग जो है हमें सुरक्षा प्रदान करती है। कई बार हमें लगता है कि ये बाड़ा जो है हमें बहुत सी चीज़ों से हमें बाधा पहुँचाती है, बाधा नहीं परंतु ये हमारे लिए जो है सिक्योरिटी का एक कारण है। परमेश्वर हमें बहुत सी बातों के लिए रोकने के लिए, बहुत सी चीज़ों को हमसे, हमारे जीवन में हानि ना पहुंचे, इसलिए रोकने के लिए बाड़ा को बना के रखा है, और कई बार लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। एक बार एक स्कूल के चारों तरफ ग्राउंड में इसी प्रकार का एक बाड़ा लगा हुआ था, और कुछ बुद्धिजीवियों ने, ज्ञानियों ने सोचा कि ये बाड़ा जो है इन बच्चों के जीवन में बहुत सी रुकावट है, तो उन्होंने सोचा कि इस बाड़े को निकाल देते हैं। परंतु क्या पाए उन्होंने, आश्चर्य की बात यह है कि वे बच्चे घबराए हुए थे, सब के सब उस ग्राउंड के बीच में झुंड बना के रह रहे थे। जब लोगों ने देखा कि क्यों इस प्रकार है, तो उन्होंने पाया कि उनके अंदर एक भय था। चारों तरफ बाड़ा होने पर हमारे अंदर भय नहीं रहता है, हमारे अंदर डर नहीं रहता, क्योंकि हम सुरक्षित हैं। ठीक वैसे ही परमेश्वर का बाड़ा जब हमारे चारों तरफ है तो वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। तो प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में भी जो बाड़ा आप देखते हैं वो परमेश्वर की ओर से इसलिए है कि परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करे। तो हम उस बाड़ा के कारण हम आनंदित हों, क्योंकि परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उसी प्रकार भजन संहिता 139 उसके 5वें वचन को अगर हम देखें तो वहाँ पर हम उस बात को पाते हैं। भजनकार कहता है, प्रभु जी मेरे ऊपर, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे चारों तरफ, मेरे सर के ऊपर आपका हाथ है, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी स्तुति प्रशंसा करता हूँ। सच में जो प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे चारों तरफ एक बाड़ा की तरह है जो हमें शैतानी ताकतों से बचा के रखता है। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे, आने वाले दिनों में आप उस बाड़ा के अंदर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए जो हमें याद दिलाता है कि आप हमारे संग हैं और आप हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले जीवित परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, कई बार हम उसे नहीं देख पाते, लेकिन शैतान उस बात को देख कर घबराता है, और वो परमेश्वर से जाके कहता है कि आपने अपने दास के चारों तरफ बाड़ा को रखा है, इसलिए वे आपकी आराधना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, आप हमारे चारों तरफ जो बाड़ा को रखे हैं, आपने सुरक्षा प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके बच्चों को आप आशीष कीजिए, जितने भाई बहन प्रभु जी आपकी आवाज़ को सुने उन सबको आप आशीष कीजिए, हमारी प्रार्थना है। उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कीजिए।
प्यारे परमेश्वर, उनके परिवारों में आपकी आशीष को हम चाहते हैं। अगर कोई बीमार और तकलीफ में है, उन्हें आप छूकर चंगाई को दीजिए, हमारी प्रार्थना है, ताकि पूरे परिवार के साथ, कलीसिया के साथ हम सब आपके नाम की महिमा कर सकें। जितने भाई बहन यूट्यूब में आपके वचन को सुन रहे हैं, उन सबों को आप आश्रित कीजिए और उन्हें इस बात की अवगाहन कीजिए कि इनके चारों तरफ जो बाड़ा है वो उनके सुरक्षा के लिए है। प्यार प्रभु जी, आपके वचन को एक बार फिर से स्मरण करते हुए, अपने हृदय से धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।